हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लिखा थंबनेल में कि लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, ये बिल्कुल सत्य साबित हो गया है मुहावरा कि कल जो BSSC कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है बिहार के छात्रों के द्वारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है उसके बाद ही यहाँ पर कल शाम में ही नया जारी हुआ है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैंने कल इसके रिगार्डिंग में भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है रात में कि देर शाम आयोग ने रिजल्ट जो है 20 फरवरी को जारी करने की घोषणा कर दी है और सूचना जो है वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो आप लोग फ्रेंड्स, जैसे कि पता है ये जो विज्ञापन आया था BSSC इंटर लेवल का, वो 2014 में ही आया था और इसका जो है अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं हो सका है और 8 से 10 दिसंबर 2018 को जो है इसकी प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब तक रिजल्ट का कोई पता नहीं है। 6 साल हो चुका है विज्ञापन को आने से और एग्ज़ाम के होने से 2 साल लगभग बीत चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कल जो था बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया जबरदस्त अभ्यर्थियों के द्वारा। तो यहाँ पर जो है कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद जो है रिजल्ट की तिथि जारी। इसीलिए को बोलते हैं फ्रेंड्स कि रातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं बांधते। तो इतने दिन से बात हो रही थी तो कोई चीज़ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मारपीट हुआ, तोड़ताड़ हुआ, तो यहाँ पर रिजल्ट का आश्वासन तुरंत आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ हैं अध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को कई छात्र आयोग कार्यालय पहुँचे। दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और छात्रों ने 5 घंटे के बाद धरना समाप्त किया और मनीष कुमार ने कहा कि कई बार से परीक्षार्थियों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है और इस बार जो है हम लेके जाएंगे और बिल्कुल यहाँ पर जो है उन्होंने करके दिखा दिया फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि तोड़फोड़ के मामले में किसी तरह की कोई भी प्राथमिकी दर्ज किसी पर नहीं की गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट आप लोग के लिए आ चुका है कि रिजल्ट का जो डेट है 20 फरवरी 2020 तक लगभग संभावित यहाँ पर दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जो यहाँ पर कल था धरना प्रदर्शन आंदोलन, वो आप लोग का सफल हुआ, ठीक है। आप लोग कोई भी इस फॉर्म को भरे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह का आगे भी अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के अपडेट आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।